अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। आज हम पहाड़ों के बीच में गिरे हुए शहर चंक्यारी में मौजूद हैं। यहाँ पे रौनक ही रौनक है, यहाँ पे बड़े प्यार करने वाले लोग हैं। हम इन लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे सियासत के हवाले से किसका ज़्यादा ज़ोर है, आपके इलाके में सियासत के लिहाज से किसका ज़्यादा ज़ोर है। पीटीआई का ज़ोर ले ली। यहाँ पे एक जो सबसे पहले साहब हमें मिले हैं, ये तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ज़ोर है वो पीटीआई का है। प्यारे भाई, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? पार्टी तो कोई भी नहीं है, लेकिन ये है कि जो मुल्क के लिए बेहतर हो अल्लाह करे वो आए। जी सर, आप किसको पसंद करते हैं? पीटीआई को पसंद करते हैं। जी मेरे प्यारे भाई, आप किसको पसंद करते हैं? पीटीआई चेयरमैन को पसंद करते हैं। जी बात यह है जनाब, मैं ये चंक्यारी शहर में आया हूँ और यहाँ पर लोगों से मुख्तलिफ किस्म के मौजूद है, बातचीत कर रहा हूँ। जी मेरे प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, क्या हाल है जनाब? अच्छा ये बताइए, आप कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? हमारी तो पसंद पीटीआई की है। पीटीआई जिंदाबाद। बाकी ये है कि किसी के साथ हमारा वो चीज़ नहीं है कि मुदाखलत जिस तरह बंदा करता है कि नहीं, हम इस पार्टी को ज़्यादा चाहते हैं, ज़्यादा करते हैं। पीटीआई क्यों पसंद है? इसलिए पसंद है कि पीछे उनकी जब हुकूमत थी ना, पुलिस वाले अच्छे तरीके से पेश आते थे। उसके बाद डॉक्टर हजरात जो है वो अच्छे तरीके से जब भी जाते थे मरीज को लेके, वो अच्छे तरीके से गाइड करते थे। अब जो है ना वो निज़ाम नहीं है। यार कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं? तो एक ही पार्टी पीटीआई को पसंद करते हैं भाई। अच्छा सर, पसंद करने की कोई खास वजह? बस हमें खान से प्यार है। खान से प्यार है इसलिए पसंद करते हैं। अच्छा, खान साहब ने अपने 3.5-4 साल दौर में कोई ऐसा काम किया जिससे आपको तो बड़ी खुशी हुई? सब ही अच्छे काम किए। मसला अच्छे काम किए। कोई सड़क बनाई थी उन्होंने? कोई क्या करना है सर, से तो अच्छा ही था। नहीं देखिए, गाड़ी आप चलाते हैं, देखिए अभी देखिए आप देखिए, इनसे तो अच्छे ही, ये तो सब चोर है। अच्छा, इनसे अच्छे थे तो आगे अगर इलेक्शन होते हैं तो किसको? इंशाल्लाह पीटीआई को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कौन सी जमात पसंद है, नून लीग, पीटीआई, तहरीके लबैक या कोई और? पीटीआई। जी आए ना, बात करें इसमें, माइक पर बात करें। अच्छा सर, पीटीआई की कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज बताएं जिसकी वजह से आपको पसंद हो। एक बता देना। सबसे पहले जो इमरान खान पूरी हुकूमत ने जाकर जो इस्लाम के लिए आवाज़ उठाई थी, इमरान खान ने जो बाहर जाके इस्लाम के नाम पे आवाज़ उठाई थी, उस वजह से आप प्यार करते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है यार, इस्लाम के नाम पे जो आवाज़ उठाते हैं, हम तो मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए आप उनको पसंद करते हैं। जी सर, आप क्या कहेंगे? आप मौलाना साहब उन्हें दिखाएं। मौलाना साहब कौन से? फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान की तरफ हैं आप? अच्छा, उनका कोई एक ऐसा काम बताएं जिस वजह से आप उनसे प्यार करते हैं? वो हमेशा दीन की खिदमत करते हैं। मौलाना साहब दीन की खिदमत करते हैं, यह भी बड़ी अच्छी बात है यार। अच्छा जी, कौन सी पार्टी को पसंद करते हैं? इमरान खान को। क्या क्या वजह है कि जिसकी वजह से आप पसंद करते हैं? आदमी सही है। आदमी सही है जी। आपको कौन पसंद है जी? किस चीज़ का? इमरान खान। इमरान खान जिंदाबाद। नहीं, वजह क्या है, क्यों पसंद? इमरान खान अच्छी बात बोलता है और सच बोलता है, सच नर बंदा है। नर बंदा है जी। आप क्या अच्छा बंदा है, इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। सारे चोर हैं इमरान खान, बाकी सब चोर हैं। अच्छा, बाकी इमरान खान चोर है, बाकी सब चोर हैं। अच्छा जी, चंक्यारी शहर के अंदर आप सिर्फ इमरान खान, चंक्यारी शहर के अंदर पसंद करने वाले ज्यादा लोग इमरान खान? इंशाल्लाह इमरान खान जिंदाबाद। अच्छा जी, बात ये है जनाब, यहाँ पे तो इमरान खान के बहुत सारे हमायती हैं। और जी, आप किसको पसंद करते हैं? इमरान खान ही पुकारते हैं। इमरान खान, इमरान खान को पसंद करते हैं। पता क्या, इमरान खान साहब को क्यों पसंद करते हैं? क्या उसने गैरतमंदी की है, बताए जरा क्या किया? मेरी बात दलील के साथ, बात मोहब्बत से होनी चाहिए। देखो एक बात सुन के, लोगों ने ये भी कहा है नून लीग वालों ने कि जनाब इमरान खान जो है उसने अपने जलसे पे औरतों को नचाया है,
हैं आप इसमें क्या कहें? आपकी खुशी है इमरान खान जैसा लीडर हो। अच्छा वें जी, हर तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं। और ये हाजी साहब मुझे लगता है बड़े अच्छे हैं, क्या हाल है जनाब? कौन सी पार्टी को बदल करते हैं? मैं मुस्लिम नेशनल नवाज शरीफ जिंदाबाद। अच्छा जी, वो कह रहे हैं इमरान खान को पसंद करते हैं। इधर आए, बात सुने, नारा लगा के बात क्यों गए हैं, क्या होगा? नहीं नहीं, मैं नवाज शरीफ को पसंद करता हूँ। अच्छा, आप बताए ना इमरान खान का क्या कसूर था? एक साइफर केस में उसको बंद किया हुआ है लोगों ने, इसके नवाज शरीफ के कितने केस थे? 15 मिनट में अदालतें भी लगी, 15 मिनट में उसके सारे केस माफ हो गए। ठीक है, ये आते हैं चोरी करते हैं और बाहर भाग जाते हैं। ठीक है, इमरान खान के साथ डील भी हुई इनके, इमरान खान को बोला बाहर चले जाओ, इमरान खान ने बोला नहीं जाऊंगा मैं, इधर मरूंगा, ये मेरा मुल्क है। अगर आप ये लोग कहते हैं हमारे बच्चे, इनके बच्चे कहते हैं हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, जब ये पाकिस्तानी शहरी नहीं रखते तो इनके ये फिर कैसे हमारे मुल्क में आके हुकूमत करते हैं? ये हम लोग खुद बेवकूफ़ हैं। ये जो है ना, हम लोगों को खुद शऊर आना चाहिए। इमरान खान ने हम लोगों को इतना शऊर दिया, ठीक है, ये लोग समझते नहीं है। जी आप क्या कहेंगे जाली साहब, ये सही कह रहे हैं? जो कह रहे हैं सुना नहीं आपने? नहीं सुना कहता है वो इमरान खान आना चाहिए क्योंकि जवान के लिए शंक्यारी शहर में अगर 50 बंदों से बात हुई है तो 20-30 बंदों ने यही लीडर है तो इमरान खान है, और कोई लीडर है तो इमरान खान है। डर सिर्फ पैलेस है और किसी से नहीं है। जिंदाबाद। चलें जी, इसके साथ ही मुझे अगली वीडियो तक कैमरामैन आप ही हैं, मैं मुनीर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।